हेलो दोस्तों, BKBU3NH के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जालौर डिस्ट्रिक्ट के सांचौर, जो कि एक सुंदर मंदिर है, जैन की गल्ली जी मंदिर, जो कि सांचौर में है। और हम यहाँ से चार भाई गए थे और वहाँ की जो लोकल बहने थे, जया बहन, हमको मंदिर दिखाने लेके गए थे। बहुत सुंदर मंदिर है, जैन की है, बहुत पुराना मंदिर भी है और गोल्ड भी है लगा हुआ इसमें, तो देखने जैसे है भाई। कभी आपको मिला टाइम तो आप ज़रूर जाने का सांचौर और देख सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, ऐसे सुंदर मंदिर देखने के लिए कहाँ नहीं मिलेगा। जैन, महावीर जैन की जो मंदिर होते हैं राजस्थान में बहुत फेमस होते हैं, और यहाँ की जो राजा लोग होते थे राजस्थान में, वो लोग ये मंदिर को ज़्यादातर के उस समय बनाते थे, तो आज भी ऐसे लग रहे कि चमक रहा है मंदिर। भले बाहर से लगता है लेकिन अंदर से बहुत चमक है, और पूरा चमका हुआ जैसे लाइट, जैसे गोल्ड की पूरी लगा रहता है। शाम के समय में था, तो शाम के समय में जाके हमने घूमा, बहुत एंजॉय किया वहाँ पर, बहुत मज़ा आ गया देखने में भी, नीचे ऊपर दीवारों पिलर में, छत में और ज़मीन में, चारों तरफ ही पूरा नज़र, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। हमने बहुत क्या कहेंगे, वर्णना करना भी नहीं आता है, इतनी चीज़ है इसमें। तो एक एक चीज़ का हम देखे पूरे मंदिर में, ये जैसे एक दीवारों में है, छत में है, और आप पीछे भी देख सकते हैं कितने अच्छा डिजाइन बना हुआ है। ये कोई कलर में नहीं है, ये मार्बल होता है, एक नंबर मार्बल जो है, उसी मार्बल के ऊपर में ये पूरा परमानेंट कलर से बना हुआ है। ये दीवारों है, मंदिर का दीवार है, ऐसे लगता है जैसे कि प्रिंट हुआ है ना, ये हाथ से बना हुआ है सारा चीज़ें। पता नहीं वो कौन सा चीज़ है, कौन सी पत्थर डाल के इसका बनाया है, इतनी सुंदर कारीगरी है, देखने जैसे ही है। ज़रूर आपको कभी सांचौर जाके देख सकते हैं मंदिर, और ये मिरर भी देखिए कितनी सुंदर बना हुआ है। मिरर में मैं सेल्फी ले रहा हूँ। तो फिर हम वहाँ से फिर बाहर का ही व्यू लिया, और बाहर से हम निकल गए थे, फिर हमने सेंटर की तरफ गए, और सेंटर में हमने दीदी को एक गिफ्ट दिए, बाबा का फोटो, चारों भाई मिलके, मेरे साथ में निरंजन, किशोर भाई और श्रीनिवास भाई, और हम दीदी को ये सब दे रहे मधुबन से तोहफा। फिर रात को रुक के हम वहाँ पर सेंटर में, दूसरे दिन हमने चले गए थे थरार, गुजरात थरार में जाके पहुँचे, वहाँ से हम नाश्ता पानी करके, फिर हमने भारत और पाकिस्तान जो बॉर्डर है नाड़ा बेट देखने के लिए हम चले गए थे। तो वहाँ अभी हमने गए, और बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है यहाँ पर, सीमा दर्शक दर्शन लिखा है, तो जहाँ नाड़ा बेट है, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर, ये बॉर्डर है गुजरात और पाकिस्तान में लगा हुआ है, हम तो बहुत अच्छी है, रणभूमि में ये है, देखिए पूरा भारत के अंदर में बॉर्डर बना हुआ है, पाकिस्तान यहाँ से और भी दूरी है, मैंने और 50-100 फीट दूरी में है, ये भारत का अंदर बाउंड्री बना हुआ है, उस साइड पाकिस्तान, इस साइड भारत। और हमारे साथ गए थे पुष्पा बहन भी गए थी, जो कि थरार की इंचार्ज है, वहाँ पर जा गए थे हमको दिखाने के लिए, लेके गए थे, बहुत अच्छी, इतना नज़दीक से हमने पाकिस्तान बॉर्डर नहीं देखा था। तो नाड़ा बेट ये है, जो कि भारत के अंदर में बहुत दर्शक भी आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, बहुत भीड़ भी होता है, और यहाँ मिलिट्री हमेशा रहते हैं, अलर्ट रहते हैं,
तो सिक्योरिटी बहुत टाइट भी है, चेक करके सब भेजते हैं। और यह रणभूमि है जो कि इस जमीन में कोई पेड़ पौधे नहीं उगता है, यहाँ जमीन में सिर्फ नमक ही नमक होता है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा आपको। ये भारत का झंडा है, उसके नीचे हमने नाड़ा बैठ भी है लगी है, तो वहाँ से फोटो खींचा था। और ये दर्शक बैठने के लिए गैलरी बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी है ये जगह। लेकिन वहाँ जाने के लिए यहाँ से एक दिन का पूरा लगता है। ये गेट है, तो उधर पाकिस्तान इधर भारत है। ये गेट खुलता नहीं है, बंद रहता है, बाकी ये दिखा है ऐसे जैसे बाघा बॉर्डर में जैसे होता है, पाकिस्तान जाने के लिए रोड होता है, गेट खुलता है, दोनों का मिलिट्री का उधर रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, ये बॉर्डर है पूरा, उधर आप जा नहीं सकते हैं ना, वो लोग इधर आ सकते हैं। उसकी यादगार में यहाँ कुछ बना हुआ है, जैसे कि जो 71 में जो वार हुआ था भारत और पाकिस्तान में, उसका कुछ दिखाया गया है। और वहाँ पर ऐसे सोलार लगा हुआ है प्लेट जैसे पेड़ लगी है। ये नमक नमक की है जमीन, इसमें पूरा नमक ही नमक है, जहाँ लेटे हुए उसे ऊपर नमक है, नमक जम जाता है, बहुत अच्छी है उसमें जमीन। वो खुदाई करेंगे नमक लिए, उसके नीचे मिट्टी रहता है, गीला मिट्टी रहता है, ये पूरा नमक है। फिर उसके बाद हमें लास्ट में मंदिर गए थे, फिर वहाँ से निकल गए थे। थैंक यू दोस्तों, आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा। थैंक यू, जय हिंद।